एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह तंगी है रिज्क की, कोई वजीफा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए, कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे वड्डे वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ों जी मंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, सुनो ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कह या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्की, मैं चाहता हूँ मेरी रोज़ी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, तू बावुज़ू रहा कर तेरा रिज़्क खुल जाए। कोई जोर लगता है वुज़ू? तुम्हारे यहाँ तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू करो। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़े। नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी, ना ले जाओ सर्दी बड़ी, मरासियों को सर्दी ज़्यादा लगती। मैंने कहा नहीं आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको लेके जब वो टूटी पे बैठा ना, जू ही हाथ पे पाए, ओ हाले ओ ठंडा पानी, ओ हाले ओ ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी। मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लें। अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, मेरे नबी ने फरमाया बावजू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, बावुज़ू रहा कर। अच्छा बावुज़ू रहने के और फायदे। अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है। और वजू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी, चलो यार वजू है चार फर्जी पढ़ लोगी। एक दफ़ा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने? कहने लगा 15। आपने फरमाया कौन कौन है? कहने लगा पहला तो थोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो थोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावुजू रहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन है। जो बावुजू रहता है और बावुजू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। खैर वापस आता हूं, मेरे नबी ने फरमाया चार बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिर, सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सॉरी इकोनॉमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी। पांच भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, कहिए बस इतनी इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ हदीसिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुहमत। क्या खूबसूरत, सारी जिंदगी किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए? दयानत निकल गई, खोट आ गई, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानतिन, कभी अमानत में ख़यानत ना करना। सिद्क़ हदीसिन, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की दो सिफतें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या हैं? कोई और भी तो हो सकती थी, जिन चीज जिससे मशहूर किया, काबा कौसैन भी तो है और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है स्याह जुल्फों वाला, वद्दोहा भी तो है रोशन चेहरे वाला। किससे मशहूर किया? सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, कि मौलाना साहब सारे दीन को दो लफ्जों में बताओ,
सारी शरीयत को, तो मेरे पास दो लफ्ज़ हैं, सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो, मौलाना साहब सारी दुनिया के कुफर को बताओ, तो मेरे पास दो लफ्ज़ हैं, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और ख़यानत, पूरी दुनिया का कुफर इनके अंदर छुपा हुआ है। सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। और ये हुकूमत के बस का नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है। हज़रत जरीर ने, जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन के शहजादे थे, हज आखिरी हज पे मुसलमान हुए, अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहाँ पेमेंट करूँगा। वो मंडी में गया, 300 रुपये का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो वो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले। उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूँ? कर दूँ। बड़ा हैरान होकर देखने लगा, भैया कि आप तो, मैंने मुझे चीज़ ख़रीदनी है तो मैं घटाता हूँ, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहाँ ख़रीदार कह रहा है 400 कर दूँ? वो कहने लगे कर दो। कहा 500 कर दूँ? कहने लगा कर दो। कहा 600 कर दूँ? वह वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूँ? 800 कर दूँ? वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लवो, पर मेरा मजाक था ना, तुसी उठाओ। कभी लेने वाले भी पैसे बताए, तुसी मैंने 300 दे, मैं जावा। कहने लगे इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान, खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा, मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाए? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ दे के ये वादा किया था, ज़िंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूँगा, सबकी खैर ख्वाहिशा। तो भाइयों मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी है, कुव्वत अमल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम गवर्नर गुजरा है, उसके खिलाफ बगावत हुई, वो नाकाम हो गई, तो कूफा में एक बुज़ुर्ग रहते थे, उनके बेटे उस बगावत में शरीक थे। वो छुपते छुपाते कई साल के बाद वापस आ गए। इब्नु खराश उनका नाम था, उनकी सच्चाई मशहूर थी कि इब्नु खराश झूठ नहीं बोलता। हज्जाज को पता चल गया CID से के आ गए, तो उसने कहा आज इब्नु खराश का इम्तिहान होगा। उसको खाने पे बुलाया, उनवान ही नहीं बनाया तफ्तीश का, खाने पे बुलाया और खाना शुरू हो गया। बातों बातों में कहता है इब्नु खराश आपके बेटे हमारे खिलाफ लड़ के भाग गए थे, कुछ पता है? तो इब्नु खराश हंस पड़े, कहने लगे हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, घर आए बैठे। तो उसने कहा तेरी सच्चाई को सलाम करता हूँ, अगर तू झूठ बोलता यहीं तेरा सर उतारता, फिर तेरे बेटों का जाओ सलाम है तेरी सच्चाई को, तेरे बेटे तुझे मुबारक हों, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता? कहाँ, क्या मुसलमान बखील हो सकता? उन्होंने कहा। फिर पूछा गया झूठ बोल सकता? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। तो दो बातें हदीस पाक की, सिद्क़ हदीसिन हिफ्ज़ अमानतिन, ये दो बातें जिंदा हो जाएं तुम्हारे सारे इदारे जिंदा हो जाएं, हम नुकसान से निकलकर नफ़ों में आ जाएंगे, नफ़ों में आकर औरों को देने वाले बन जाएंगे। इस मुल्क में इतने ख़जाने अल्लाह ने छुपाए हैं,
और इस मुल्क में इतने अल्लाह ने इस्तेदाद वाले लोग पैदा फरमाए हैं, सिर्फ दो चीज़ों से हम मार खा रहे हैं। हमारे जो इदारे डूब रहे हैं, वो गिलगित से लेकर गवादर तक, उसमें वसाइल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है, दयानतदारी की कमी है। और ये रिलेटेड है रब होने के साथ, कि हमने अल्लाह के रब होने में शक किया तो हम गलत राहों पे चल पड़े। रब तो अल्लाह है, देने वाला तो अल्लाह है।